मेरी बाइक किस तरह यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग क्या आई है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। और अभी मैं सबसे लेट उठा हूँ यहाँ पर, बाकी सब कब के उठे पड़े हैं। इस स्लीपिंग बैग में नीचे से कुछ था नहीं और ओस थी यार इस साइड से पूरी, और ये भी नीचे से हल्का फुल्का गीला है। और ये रहा यहाँ का व्यू, और मैं लेट इसलिए उठा क्योंकि यार रात भर एडिटिंग कर रहा था, 3:30-4 बजे सोया हूँ मैं एडिटिंग कर। हमारी बाइक्स वहाँ पर हमारी बाइक्स, तो निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और निकलते हैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। यहाँ से रात को दिखा नहीं पाए थे हम लोग क्लियरली कुछ भी यहाँ पर, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और जहाँ से हम आए हुए थे रास्ते में ही अंधेरा हो गया था। तो अभी निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में, दिखाते हैं आप लोगों को भी, बने रहना वीडियो के साथ। और जो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना और वीडियो को एंड तक देखना। थैंक यू सो मच। ये रहा अपना जहाँ पे बॉनफायर लगा था रात को हमारा, तो अपना ब्रेकफास्ट भी आ रहा है। इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने का भी मज़ा क्या आएगा यार। रात को भैया के भी डेले वार थे डेली होते डेले वार। और ये रही अपनी मैगियाँ। तो अभी जा रहे हैं बाइकों को कूल स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ठंड थी यहाँ पर रात भर, तो इसलिए करना पड़ेगा वरना गर्मी में तो कौन ही करे। और ये रही अपनी बाइक्स यहाँ पर, ये 3 बाइक्स थी साथ। और ये रही लोकेशन जहाँ पर कैंप्स लगे हैं हमारे। हम थोड़ा सा दूर क्या गए, इन लोगों ने खाना भी पेलना स्टार्ट कर दिया है। ओए होए 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 होए, इसको ऐसे करें। हमारा कुछ बाइक का सामान लोड हो चुका है, ये देखो कितना ज़्यादा है यार इस बाइक पे। ये बैग, ये टेंट्स, ये फोम और ये बैग, और ये बंदा भी मेरे साथ। और अब इस जगह को अलविदा करते हैं और नई जगह की तरफ चलते हैं, और बहुत जगहें अभी देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह, सही से रहे सब चीज़ें। तो यहाँ से निकल गए हम लोग, व्यू को देखो तुम, बस मज़ा लो इस व्यू का। हम लोग रात को उस रास्ते से आए थे यहाँ के लिए, और रात को मैं दिखाता हूँ किस जगह गाड़ी फंसी थी। यहाँ पर गाड़ी फंसी थी भाई, इस जगह पे पूरी नीचे गई हुई थी, नीचे से लगी पड़ी थी, चैम्बर पूरा बजा था उसका नीचे से। फील है इस जगह में। एक अभी तो बहुत जगह है एक्सप्लोर करनी है, और यहाँ से निकलेंगे हम पूरा राइट, और ये जो नीचे से रास्ता आ रहा है यहाँ से हम लोग रात को आए थे बाजदार से, कुछ जाई का रास्ता जो एंट्री का रास्ता है यहाँ के लिए। अभी हम यहाँ से भद्रवा के लिए निकल रहे हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं यहाँ से। बट ये चीज़ है कि पूरा रोड अच्छा कंप्लीट है, बिल्कुल खड्डे वगैरह नहीं है ज़्यादा रास्तों पे। ब्लैक टॉप पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, पूरा ब्लाइंड कवर, कुछ नहीं दिखता है यार आगे की तरफ कहाँ से गाड़ी वाले, और आगे से गाड़ी वाले भी बहुत तेज आते हैं, ना कोई हॉर्न दबाता है ना कुछ। ये जो चीजें पड़ी है ना यहाँ पर पेड़ के पीसेस, इनकी खुशबू ही नेक्स्ट लेवल है यार। तो ये रहा पूरा व्यू यहाँ से भद्रवा सिटी का, बहुत ही ऑसम व्यू है यार ये। और ये है गुप्त गंगा मंदिर यहाँ पर। तो पहुंच गए हम लोग भद्रवा मार्केट में, और यहाँ पर है डोगरा वैष्णो ढाबा, और यहाँ पर ही हम करेंगे ब्रेकफास्ट। लेकिन पहले, उससे पहले हमें काम था वो निपटा देते। ये भद्रवा मार्केट है। तो अभी हम मार्केट में टहल रहे थे यहाँ पर कि वीडियो अपलोड हो पाए हमारी जो बाइकार वाली है, तो हो गए। और अभी सीन हो गया हमको, थोड़ी देर वीडियो भी अपलोड हो गई एक भाई ने, बहुत सही थे यार, उन्होंने वाईफाई दे दिया, क्योंकि इसके बाद लगभग 5-10 किलोमीटर बाद हमें नेटवर्क भी नहीं मिलेंगे, तो मेरी वीडियो रह जाती। तो अब हो चुकी है वीडियो अपलोड, और
यहाँ पर थोड़ा आरटीओ चलान कर रहे हैं, इसलिए हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से, इसलिए दौड़ दौड़ कर सांस चढ़ गई हमारी। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे, बाय। तो अभी जो काम था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, ये रहा भद्रवाह कैंपस। और अभी यहाँ से होना होना राइट अपने रूट के लिए। वाह यार, वाह यार, क्या मस्त है भद्रवाह, देख रहे हो भद्रवाह, ऑसम प्लेस। थोड़ा सा ऑफ रोड, थोड़ा सा हल्का सा, आगे से रास्ता पूरा सही है। क्या हाल है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वाह यार, देख रहे हो कितनी प्यारी नदी लग रही है यहाँ से। थोड़ा सा ऑफ रोड इसलिए बोला मैंने क्योंकि भद्रवाह है तो रास्ते भाई साफ मिलेंगे, साफ मतलब रोड बनी हुई मिलेगी यहाँ पर। और पीछे भाई लोग मिल गए थे, थोड़े समी के फ्रेंड्स। और यहाँ पे मंदिर है, बहुत अच्छा बना है पहाड़ के ऊपर। और ये जगह काफ़ी चलती है यहाँ पर, जस्ट चिल कैफे। काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है हवा, देख सकते हो पेड़ को हिलते हुए देख कर, उधर बड़े पेड़ तो नहीं हिलेंगे। मेरी बाइक किस तरीके से खड़ी हुई है, इसका साइड स्टैंड, इसका साइड स्टैंड है नहीं, और इसका डबल स्टैंड पे देखो किस तरीके से खड़ी है बाइक यार। ये आगे से टायर बहुत खड़ा हो चुका है। और यहाँ थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं। और यहाँ कुछ शायद से ब्रिज का काम चल रहा है। ओ नहीं 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 नहीं, डरना नहीं, गाय भाई ऊपर चढ़ गई थी पूरी, पहाड़ उसको लग रहा बहुत कम है, इसने पहाड़ चढ़ दिया पूरा। नहीं नहीं नहीं, आराम से चलना पड़ेगा, डरेगी शायद, मे बी नहीं, ये डरपोक नहीं थी। गुड काउ, गुड काउ, सम्मी की गुड काउ है ये। तो अभी छत्रकला यहाँ से रह गया लाइक 26 किलोमीटर, और कुशल कहीं पीछे ही है मे बी। रुकते हैं उसके लिए थोड़ा आगे साइड। ओ ओ ओ ओ ओ, ये कितना मार रहा है यार, ये क्या इंसान है। आज मैं पहली बार यहाँ पर लाइक बाइक पे जा रहा हूँ, मैं पहले कार में आया था एक बार बस, उसके बाद से कभी नहीं आया हूँ यहाँ पर। और अभी देखते हैं, जब तक ना खुद बंदा राइड करे तब तक मज़ा नहीं आता यार, चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर हैं विद गुड रोड्स। और यहाँ नीचे से दरिया, और ये छत्रकला लिखा है 24 किलोमीटर। अभी हम कुछ इस जगह पे रुके हैं, मैं दिखाता हूँ आपको लोकेशन, ये रही लोकेशन यहाँ से। और ये रही शॉप, यहाँ पर रुके हम चाय पीने के लिए। और ये रही अपनी बाइकें फुल सामान से भरी पड़ी हैं। और इसका पंगा भर रहा है, बहुत पीछे रह रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे रह रहा है ये। तो मेरे काम है, काम थोड़ी है तेरा ये। और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से सर्कल के लिए। और आगे 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 ना रास्ता लाइक छत्रकला के आगे, वहाँ से रास्ता थोड़ा गंदा स्टार्ट, थोड़ा नहीं बहुत गंदा स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से तो अभी भद्रवाह तक का, जब से आगे से जब कठुआ डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर रोड्स खराब आना स्टार्ट हो जाएगी, बाकी पूरी रोड्स अच्छी हैं, मस्त हैं। और आज नाइट स्टे हम वहीं करेंगे। और दो दिन से यही चीज़ हो रही है, हवा बहुत तेज़ है, आवाज़ में भी नहीं क्लियर आ रही होगी। दो दिन से यही हो रहा है, हम पहले बाजदार से आए जाई के लिए अंधेरे में, और अभी सत्सल के लिए जा रहे हैं, वो भी शायद अंधेरा हो जाएगा रास्ते में। तो वो हम सही से टाइम पर पहुँच पाए, क्योंकि इसकी वजह से यार, इस बंदे की वजह से रुकना पड़ रहा है, हमें बहुत स्लो चलना पड़ रहा है, वरना हम कब के पहुँच जाए। लेकिन बस सेफ ड्राइव करके चलेंगे, मिलते हैं आप लोग से आगे। हवा बहुत तेज़ होगी देख रहे हुए, अभी रुकने का ही सीन है, रुक जाते हैं थोड़ा, देखते हैं क्या होता है। तो अभी निकले हम लोग यहाँ से चाय पीकर, बहुत तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पर यार, बहुत ज़्यादा तेज़। तो अभी कम हुई है तो हमने सोचा आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या पता आगे जाकर ज़्यादा बढ़ जाती तो हम यहीं रुके रहते हैं। और कुशल आगे चले जा चुका है, और हवा बहुत तेज़ है यार अभी भी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस रास्ते पे राइड कर कर यार, पहाड़ों पे ऐसा रास्ता मिल जाए और मज़ा ही आ जाए यार, बहुत तगड़ा व्यू है। अभी भी ये देखो बर्फ़ यहाँ पर पड़ी हुई है, जमा है पूरी। तो क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली धूप आती नहीं है शायद, तो इस वजह से ये अभी तक ऐसा ही है। ये देखो, और ये देखो कितना ऑसम लग रहा है,
सामने सामने पहाड़ पे थोड़ी थोड़ी सी बर्फ है, हल्की हल्की, ज़्यादा भी नहीं है, हल्की हल्की बर्फ है। और यार इस जगह को देख कर को अजीब सा फील होता है भाई, बहुत तगड़ा सा, बहुत तगड़ी प्लेस है। और उस वाले कोने में भी जाना है, वहाँ से दिखाऊंगा आप लोगों को मैं कितना तगड़ा सीन है यहाँ का। और ठंडी हवाएं, मतलब हवा अभी तक चल तो रही थी लेकिन वो उतनी ठंडी नहीं चल रही थी जितनी अब जितना नज़दीक जा रहे हैं सर्थल की तरफ उतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है। और रास्ते में थोड़ा सा बदलाव है, ब्लैक टॉप ख़त्म हो चुका है और ऐसा सा रास्ता स्टार्ट हो गया, बट ये भी तगड़ा है, खड्डे तो नहीं एटलीस्ट। बस यहाँ पर ब्लैक टॉप पड़ने वाला है मे भी, क्योंकि रास्ता वैसे ही बना है। ये रही अपनी बाइक्स और ये रही कुछ लोकेशन इस टाइप की। आगे जाकर दिखाता हूँ मैं। और ये पुराने पुराने घर हैं यहाँ पर, इनको हमारे वहाँ गुआड़ भी बोलते हैं। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को व्यू। और ये रहा रास्ता जहाँ से अभी हम आए, अभी निकल रहे हैं हम लोग, थोड़ा यहाँ पर फोटो शूट कर रहे थे तो निकल रहे हैं अभी यहाँ से छत्रकला के लिए। छत्रकला थोड़ा ही रह गया, लगभग लाइक 9 to 10 किलोमीटर्स रह गया। और अभी सरथल यहाँ से मे बी 15 to 20-25 किलोमीटर तक होगा, तो मिलते हैं आप लोगों से आगे रास्ते में। ये देख रहे हो कितनी बड़ी है, मतलब कुछ नहीं है 10-12 feet की है। और मैं उतर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को बार बार डबल स्टैंड लगाना पड़ रहा है। यार इधर दिखाना यार, मेरे को भी दिखाना। ओ भाई बर्फ तो अभी भी एक नंबर ही है। बस 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 खेलना थोड़ी है भाई, ये बहुत बड़ा है। मतलब अगर बर्फ यहाँ पड़ती है तो कुछ नहीं पाँच दस नहीं कर यार, इसमें गिर रहा है यार, इसमें गिर रहा है यार, इससे गिर रहा है। ओ यार ओए यार, ना पूरा गीला कर दिया आगे से सेटअप, यार क्या करूँ इनका, गीला हो गया, एक गीला हो गया, तेरी कसम गीला हो गया। रुक जा ये जैक 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 गीला हो गया, जैक का यार, जैक का सब भाई ये ऐसे है। ओए खराबी कर गया यार, अंदर भर गई। अब आगे की तरफ थोड़ा खेल लिया और आगे मौसम बहुत ख़राब लग रहा है मेरे को सरथल का। और अभी मेरे को लगता है आगे वाली साइड बारिश पड़ रही है, सरथल वाली साइड छत्रकला के आगे, देखते हैं कैसा सीन रहता है। बर्फ के पास आते हैं, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, इस पर देखते हैं चलाकर कितना सख्त है यार। वो देखो उठा बाइक उठा, सीन है भाई, यहाँ गिर चुकी है भाई। लेग गार्ड का फायदा हो गया, तूने लेग गार्ड सही टाइम पे लगाए थे लेकिन। तो इसकी बाइक गिरने के बाद हम सोच रहे हैं ये जो नीचे से गिरने नहीं यार फिसलने के बाद हम लोग सोच रहे हैं इसके अंदर वाली साइड चलें भाई। खौफनाक, आओ जरा, वो यार अंदर क्या है भाई, यार ठंड पता कितनी लग रही है यहाँ पर। आगे भाई ये पता कहाँ तक है, मैन वर्सेस वाइल्ड, ये बहुत नीचे तक मैन वर्सेस वाइल्ड हो रहा है। चलो चलते हैं यहाँ पर, यार क्या भाई अंदर चल रहे हैं, थोड़ा बहुत अंदर शेर है मेरे को लग रहा है, अंदर शेर है। और आगे चल रहे हैं हम थोड़ा नीचे झुक कर, ये बहुत आगे है भाई, ए ले ले आगे जा, देखा पानी भी पड़ रहा है यहाँ से, ध्यान रखना। ओ भाई खौफ लग गया, नीचे से खुला हुआ है भाई। आ जा हम लोग अंदर तक गए यार, उषा का मैं फिट नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरे चल नहीं पा रहा था आगे, तो इसलिए वहाँ मैंने कैमरा आगे पकड़ा दिया। और यहाँ अभी थोड़ी बहुत बकचोदियाँ चलने लग गई है, मैं भी ट्राई करूँ, मैं नहीं करूँगा यार। ओह रुक जा अरे लगा आप स्लाइड करेंगे वहाँ से, आ जा। समी का कीड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ, समी सोच रहा है मांझीदा माउंटेन मैन बन जाएगा, मांझीदा माउंटेन मैन वापस आ गया, आराम से कपड़े। ओए यार इसने फूल अपने
कपड़े तक गंदे कर दिए। बहुत बख्शी होगी, लेट हो रहा है, अब हमें निकलना चाहिए आगे के लिए। हल्का सा स्लिपरी सा रोड है यहाँ। नहीं हल्का सा नहीं, काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ अभी हम पहुँच गए हैं छत्रगला, ये रहा भद्रवाह का एंड यहाँ पर, और यहाँ से आगे बसोली फॉरेस्ट डिवीजन। यहाँ से दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा आगे का व्यू, जहाँ हमने जाना है वो जगह सारी क्रॉस करके जाना, आगे रिवर क्रॉसिंग्स भी आएंगी, बहुत ज्यादा मजा आने वाला आगे। एक नंबर मजा आने वाला। और यहाँ से भी रास्ता बनने लग गया भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम लग गया यहाँ के रास्ते का, क्योंकि पहले तो नहीं था, पहले ये सारा ऐसा ही रास्ता था जहाँ से मैं चल रहा हूँ। अब देखो, अब जहाँ से अब मैं चल रहा हूँ ये ऐसा है, कुछ डिफरेंस ये है रास्तों का। अब पता नहीं आगे कैसा होगा कैसा नहीं, मुझे नहीं पता है फिलहाल। बढ़ रही है गाइस, ठंड तो बढ़ चुकी है यार, बहुत ठंड बढ़ चुकी है। और ये जो जगह है जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, सरथल, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है ये सरथल प्लेस, बहुत ही ऑसम जगह है यार ये, जम्मू प्रोविजन में, वो भी कठुआ में, देखने की जगह, घूमने की जगह, और ठंडा माहौल, ठंडा इलाका सरथल है, सबसे बेस्ट यार। कितना सही लग रहा है ना समी, क्या भाई एरिया। हाँ अब ये बीचों बीच से जाना है, जो रास्ते दिख रहे हैं यहीं से जाना है हमने। अभी हम लोग सरथल के लिए जा रहे हैं, यहाँ से छत्रगला से हम नीचे आ गए। मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ थोड़ा, किस टाइप का है यहाँ से रास्ता। और ये रहा रास्ता, भी यहाँ से हमने सीधे नीचे जाना है ये, और ये जो सांप की तरह पूरा रास्ता दिख रहा है, ये सारा क्रॉस कर कर, ये रिवर क्रॉसिंग क्रॉस कर कर उन रास्तों से होकर उस साइड जाना है, पीछे वाली साइड, और उसी जगह सरथल है। तो आज हमारा स्टे देखते हैं सरथल मेन मार्केट में रहता है कि यहीं जंगल वाली साइड कहीं रहता है। ये रही लोकेशन, पत्थरों पत्थर से भरी पड़ी है ये, और ब्यूटी से भी वैसे, वाव, अलग अलग लेवल है ये, अलग लेवल है भाई। रुक गए थे यहाँ पर, इसका बैग टेढ़ा हो गया है यहाँ से, तो इसका भी नए से ठीक करना होगा, दोबारा खोलना होगा, यहाँ भी टाइम टूटेगा 10-15 मिनट, यही सब चल रहा है और अंधेरा होने वाला है। तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से अभी आगे की तरफ, मेरे को यहाँ से रास्ता दिखा था नीचे के लिए, लेकिन अब निकल गया आगे, अब क्या करूँ। और कुशल ऑफ रोड कर रहा है इस टाइम पे, मैं रास्ते से आया पूरे, और ये लोग यहाँ ऊपर से आए, रास्ता भी नहीं ढूंढा था गाइस। और यहाँ से तो नीचे मैं भी जाऊँगा, रास्ता मैंने ही पिछला देखा था, लेकिन मैं कहा चलो छोड़ो ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन ये लोग निकल गए, और अब वहाँ से नहीं जाएंगे हम आगे से, हम यहाँ से जाएंगे। ओ ये क्या उतरा ही है यार ओ यार ये तो तगड़ा हुआ था सीन यहाँ। थोड़ा सा अगर और उजाला होता ना, ये जगह अलग ही लेवल लगती है यार। इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा उतना, बाकी जगह चेक करो यार, ऑसम तो है ये। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये जगह एक नंबर है, क्योंकि जिस हिसाब की इस टाइम पे जम्मू में गर्मी है, और कठुआ में भी वैसी ही गर्मी होगी, बट ये जगह ऑसम है, ऑसम है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है ये। बस यही सब। ओ यार देख रहे हो यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग क्या आई है, पूरा यहाँ से क्रॉस कर कर जाना है वहाँ के लिए हमने, बहुत तगड़ा। ये देखो कहाँ से पानी आ रहा है, गले फहीम करेगा अपनी एग्जिट पे। ओ यार ओ तेरी, ये तगड़ा है, तगड़ा कहाँ जा रहा है, उस साइड नहीं आराम से, नहीं 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 यार पाँव नीचे नहीं लगने देना, ये निकलेगा, चल 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 निकल, चल चल आराम से निकल आराम से, कहाँ जा रहा है ये, कहाँ जा रहा है ये। अब आगे मेरी बारी, और वैसा समय भी है, लेट्स सी क्या होता है। बहुत ही तगड़ा सीन भाई, वो बिना पाँव लगाए भाई वहाँ से निकल। और ये घर यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, ये मतलब बर्फ़ के टाइम पर यहाँ से चले जाते हैं, और गर्मियों के टाइम पर ये लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पर रहने के लिए। और किस्मत से यार एक घर नज़दीक भी मिल गया, नीचे वाली साइड नहीं मिला। और ये रहा घर कुछ इस टाइप का, देख लो कैसे पेड़ की टहनियाँ यहाँ पर लगा के रखी हुई है, और ये पेड़ पूरा, ये रहा पूरा घर यहाँ से। तो ये रही एंट्री इसकी, ये घर नहीं,
ये असल में भैंसे वगैरह बांधने की जगह है। रास्ते से नहीं जाएंगे हम, इस रास्ते से जाएंगे जो कि फुली ऑफ रोडेड है, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं। ओहो तगड़ा। और यहाँ से नीचे ले जाएंगे अब हम रोड रोड से नहीं जा रहे भाई थोड़ा। और अब यहाँ से मैं थोड़ा आगे निकल गया था क्योंकि ऊपर से तेज आ रहा था, और ये रहा अपना हल्का फुल्का ऑफ रोड। इन शॉर्टकट्स का फायदा है यार बहुत बहुत ज्यादा, बाइकों के लिए तो है, नहीं गाड़ियों के लिए भी है, गाड़ियों के लिए रास्ता बन चुका है वैसे भी। अब ये सोच ये यहाँ से जाना चाह रहे हैं, चलो भाई सही है बहुत बहुत ऑसम। और यहाँ से पेड़ देख रहे हो क्या जलाया हुआ ये, लेकिन पहले हाँ गिर गया था फिर ही जलाया गया है। यहाँ से निकलेंगे हम नीचे के लिए। ओहो ये तगड़ा है भाई, छड़ी धूल उड़ाए जा रहे हैं छड़ी धूल। और यहाँ से भी नीचे का है। ओहो यार ये तो तगड़ा है भाई, ओ ये तो तगड़ा था, मैं तो रुका भी नहीं, मैं निकल गया सीधे यार। रुको यार उसके लिए रुकते हैं यार, वो भी आ रहा है और हम पहुंचने वाले हैं बस, और ये चीज देख लो अंधेरा होने से पहले। तो अभी हम कुशल का वेट कर रहे थे और वो भी आ चुका है। अब तो आप लोगों को जगह दिखाता हूँ ये किस टाइप की है, किस तरह की लोकेशन है। ये देखो और ये रास्ता है पूरा नीचे के लिए, देखो कैसे गोल में बना हुआ है यार। और यहाँ से निकल रहे हैं अब आगे की तरफ। हम थोड़ा बैठे थे गप्पे गप्पे गुप्पे मार रहे थे और प्लान कर रहे थे कि इसके आगे कहाँ के लिए ट्रिप पे जाएं। अब निकले ही हैं तो सोच रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और हो। ओह शिट यार ये क्या है, तो ये भैंस ख़त्म हो चुकी है। सरथल की मार्केट और सरथल आपको दिखा पाऊँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, और ये घूमने के लिए तो बेस्ट प्लेस है यार। और एक और रिवर क्रॉसिंग है नीचे भाई, ऑफ रोड है हमारा। वन मोर रिवर क्रॉसिंग मैन, वन मोर। आराम से। यार बहुत गहरा है यार, बहुत गहरा नीचे लग रहा पूरा, इसमें कैसे पाँव उठा कर देख रहे हो। वाओ आगे वाले रास्ते से गए और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से थोड़ा ऑफ रोड करें, मेरे को लग रहा है क्योंकि पत्थर ही पत्थर है भाई यहाँ। वाओ शुक्र है अल्लाह का अच्छे से हो गया ये। और ये खतरनाक है भाई ये जगह, गाड़ी तो नहीं आएगी यहाँ से। वो भी वहीं से आ रहे हैं, तो वो लोग भी वहीं से आ रहे हैं वापस। अब यहाँ एक जाएगा खड्डे में, सब जाना चाहते हैं खड्डे में यार, ये चीज़ तो है। और दोस्त यही है कि भाई दोस्त खड्डे में जा रहा है तो दोस्त के साथ कूदो। ऑफ रोडर्स के लिए ये जगह भी बेस्ट है, यहाँ पर ट्राई करो यार ऑफ रोड करना और इस जगह को एक्सप्लोर करो। जम्मू प्रोविजन कठुआ डिस्ट्रिक्ट, इस जगह को एक्सप्लोर करो ताकि लोगों को पता चले ये जगह है कुछ। वाह यार हम बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं यहाँ, लोग इस जगह से आ गए हैं, रास्ता आगे से भी था बट हमने सोचा कि अच्छे से ही क्यों ना ऑफ रोड करें ब्रो। ये ब्रिज बहुत पुराने ज़माने का ब्रिज जैसा लग रहा है, ये यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये देख रहे हो आवाज़ क्या तगड़ी थी भाई, ये बहुत तगड़ी आवाज़ हुई। और ये रही जगह, मेरे GoPro की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, आवाज़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा हो रही है इस ब्रिज पे। और अब थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया सत्थल और हमारे बीच। जगह है यार ये, और हमारे गांव से भी लोग पैदल आते हैं यहाँ से,
बट वो जंगलों से आते हैं, यहाँ यहाँ से होते हुए जंगलों से आते हैं, पता नहीं उस साइड से आते हैं कि इस साइड से आते हैं, बट पैदल आते हैं जो लोग, येरी जगह वो, वहाँ से आते हैं लोग पैदल रास्ता वहाँ से सरथल का, हमारे गांव वाली साइड से, हमारे गांव से बदरवा की पदरी में आना पड़ता है और वहाँ से यहाँ के लिए रास्ता है। इस टाइम पे अंधेरा हो गया है थोड़ा थोड़ा, इसलिए क्लियर दिखेगा नहीं, बट ये नदी जो जा रही है ना बीच से, ये इन पहाड़ों की ना लुक ही अलग ला रही है, बिल्कुल अलग सी, एकदम बहुत औसम लग रहा है यार ये सब चीज़ें। मैं जब गाड़ी में आया था मेरे को ऐसा नहीं लगा था इतना सही, इतना कुछ खास, लेकिन अब आ रहा हूँ ना, ये जगह मेरे को बहुत खास लग गई है। और देखो मंदिर की जगह लोकेटेड है यार ये, और बस हम पहुँच चुके हैं, और ये रहा अपना सरथल, ये रहा अपना सरथल पूरा, यहाँ से ऑसम प्लेस यार, जम्मू में और वो भी कठुआ में ये जगह है, कठुआ की जगह, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, और इतना खूबसूरत है कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी। कितने लोगों ने कठुआ डिस्ट्रिक्ट देखा है वो गर्मी वाला, और ये देखो सर्दी वाला, सामने से ये बनी की तरफ जाता है और अपना तिरंगा झंडा लहराता हुआ बहुत ही ऑसम लग रहा है। और ये रहा अपना सरथल का रास्ता, ये रही एंट्री यहाँ की, और ये रही जगह यहाँ पर कुछ इस टाइप की है जहाँ पर टेंट्स वगैरह लगते हैं, और यहाँ पर इस टाइम पे सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। ये रही बाइक हमारी, ये FZ मेरी, और ये कुशल की बर्ड आई व्लॉग्स। आ रही होगी आवाज़ मेरी बहुत कम आ रही होगी, अभी हम जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने के लिए, तो आप लोगों को दिखाते हैं किस जगह जा रहे हैं और क्या करते हैं, किस तरीके से लेकर आते हैं। पकड़े अभी आए हम लोग लकड़ी लेने के लिए, और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, और ये बाइक की लाइट ऑन की है इसलिए ताकि GoPro में क्लियरली दिखाई दे। और ये लकड़ियाँ जो अभी तक हमने जमा की है यहाँ पर, हम पेड़ नहीं काट रहे, हम जो गिरी हुई लकड़ियाँ हैं वही उठा कर लेकर जा रहे हैं ताकि आग लग पाए और खाना बन पाए हमारा आज का, आज रात का। तो बारिश पड़ने लगी, हमसे जितना हो पाए हमने उतनी लकड़ियाँ ले ली, ये रही इससे ज़्यादा हम कर नहीं पाए, और यहाँ पर है भी नहीं नज़दीक इतना, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, बारिश पड़ने लगी है धीरे धीरे, मिलते हैं आप लोगों से कैंप साइट पे। अभी हम लोग पहुँच गए और बारिश तेज़ हो गई है यार थोड़ी बहुत, बस हम निकल रहे हैं अंदर टेंटों में बैठ जाते हैं क्योंकि लकड़ी तो हमें उतनी मिली नहीं है, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। ओले पड़ने लग गए हैं मेरी बात भाई, ओले गिरने लग गए, देख रहे हो सिले जरा हटा हट, ये देख रहे हो पूरी जैकेट भरी पड़ी है इसकी, सही बात है, ओले पड़ने लग गए यहाँ, हालात देख रहे हो क्या होगी बारिश से हमारी। तो हमारे टेंट वगैरह सब क्लोज होकर हमने होटल ले लिया यहाँ पर सत्थल के अंदर, होटल ले लिया, और अभी हम खाना खाने बैठे हैं यहाँ पर, बस खाना आने वाला थोड़ी देर में, और खाना खा लेते हैं। और ये भैया बना रहे हैं खाना, ये रहा अपना खाना,